हेलो फ्रेंड, दिस इज साक्षी पावा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो सीएनजी के बारे में। हम आपके लिए लेके आए हैं इसका ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। तो अगर आप इस गाड़ी में थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप ये गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये आपके लिए जाना काफ़ी ज़रूरी है कि आफ्टर परचेज आपके लिए गाड़ी कितनी अच्छी है, कितना आपको कम्फर्ट देने वाली है, कितना माइलेज देने वाली है, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आपके क्या रिव्यूज़ है इस गाड़ी को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं हमारे आज के ऑनर मिस्टर पवन जी। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ बताइए कि आपने कौन सा वेरिएंट लिया है और आपको ये ऑन रोड कितने का पड़ा है? मैडम ये XT वेरिएंट है, मतलब सेकंड टॉप, और ये करीब मुझे 7,80,000 का पड़ा है। तो ये 7,80,000 जो अमाउंट ये बता रहे हैं ये आपको हरियाणा के अकॉर्डिंग रेट्स हैं। तो और अगर आप भी हरियाणा में सिरसा में या नियर बाई कहीं से गाड़ी बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू अपनी गाड़ी बुक करा सकते हैं। सर सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे वाई टाटा टियागो, क्यों आपने टाटा टियागो को ऑप्ट किया CNG ऑप्शन को, और इससे पहले आपने कौन सी गाड़ियाँ आपने चलाई हैं? मैडम इससे पहले मेरे पास जो पर्सनल गाड़ी थी वो शेवरलेक बीट थी, और इससे जस्ट पहले जो मैं चला रहा हूँ वो वैगनार है, जो मुझे कंपनी की तरफ से मिली थी वैगनार। वो करीब मैंने 6 महीने चलाई थी, वो भी CNG थी, कंपनी फिटेड 2020 मॉडल। तो उसके बाद मुझे खुद की गाड़ी लेनी थी, तो इसमें 3 ऑप्शन थे, i10 का भी आता है, वैगनार का है या टियागो का। तो उसमें टियागो बेस्ट है, माइलेज में भी अच्छी है, और सबसे मेन सेफ्टी के मामले में वो दोनों गाड़ियाँ 2-स्टार है, जबकि ये 4-स्टार, और चाइल्ड सेफ्टी के अंदर ये 5-स्टार है। तो सबसे मेन पॉइंट तो ये है। दूसरा ये हैवी है गाड़ी, उनसे वो गाड़ियाँ जो है साथ से कोई भी व्हीकल ट्रक जाता है तो उनमें वाइब्रेशन होता है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं। बिल्कुल। तीसरा रोड के ऊपर ये जम के चलती है, अगर आप चला रहे हो तो आपको उसमें मजा आएगा चलाने के अंदर। जी जी। तो यही मेन पॉइंट है। तो भाई आपको ये तो पता ही है कि टाटा का नाम है तो बिल्ड क्वालिटी तो भाई टाटा के साथ आपको मिलती ही है। सो जैसा आपने बताया कि आपने पहले भी CNG गाड़ियां चलाई हैं, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपकी हिस्ट्री CNG में रही है। तो वाई CNG ओनली, आपने पेट्रोल या अदर ऑप्शन क्यों नहीं ऑप्ट किया? अभी क्या है मैडम कि जो प्राइजेज चल रहे हैं डीजल या पेट्रोल के, पहले डीजल गाड़ी बढ़िया इसलिए थी कि वो 20 की माइलेज देती थी, अभी जो गाड़ियाँ आ रही है वो 19-20 की ये पेट्रोल पे भी दे देती। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, अगर पेट्रोल पे चलानी है तो उस हिसाब से बेटर है कि माइलेज 20 की मिलेगी, तो डीजल की गाड़ी के बराबर ही लगभग आपका कन्वेंस हो जाएगा। प्लस CNG के अंदर देखें तो ये गाड़ी लगभग 3 रुपये किलोमीटर पड़ती है, तो इसलिए CNG का ऑप्शन। और आपकी मंथली रनिंग कितनी रहती है गाड़ी की? लगभग 3,000 किलोमीटर से प्लस रहती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है मंथली की, तो आपको CNG में काफ़ी आपको पॉकेट फ्रेंडली रहता है। और ये अगर आप पेट्रोल में लेते हैं डीजल में लेते हैं तो आपके एज पर जो अभी रेट्स चल रहे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, आपको पॉकेट फ्रेंडली इतना नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है कि CNG के साथ कुछ सेफ्टी इशू हो सकता है, या फिर मतलब अभी से आपने काफ़ी टाइम अराउंड कितने साल तक आपने CNG ड्राइव किया? CNG अभी मैं कर रहा हूँ मैडम 1 साल से ही लगभग। नहीं, पहले भी आपने CNG चलाई? उससे पहले डीजल पे थे जी। तो आपका ऐसे 1 साल का एक्सपीरियंस CNG के साथ है, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ लोगों का ये डाउट रहता है, जैसे पर्सनली मेरा भी रहता है कि CNG के साथ क्या सेफ्टी इशू जैसे सुनने में रहता है कि कई बार धूप में गर्मी में या वैसे रिफिलिंग के टाइम पे कभी ऐसा कुछ सेफ्टी इशू आपको लगा कि हो सकता है? मैम जो भी सेफ्टी के अभी तक इश्यूज हुए हैं वो हम देख रहे हैं कि वो सब कंपनी फिटेड में नहीं हुआ कोई। वो जो लोग बाहर से फिट करवाते हैं वो उसका कोई भी ग्रेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये इशू लगभग उनके साथ हुए हैं। कंपनी फिटेड जो CNG आ रही है उसके साथ अभी तक ऐसा कोई भी सेफ्टी का कोई इशू नहीं रहा, तो CNG में सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ओनर रिव्यू में बताऊंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बहुत लोगों को ये थोड़ा कंसर्न रहता है कि CNG के साथ इशू है कि नहीं। तो अगर आप कंपनी फिटेड ले रहे हैं तो उस केस में आपके साथ CNG के थोड़े से सेफ्टी इशू होने का चांस नहीं कम हो जाता है, और अगर आप बाहर से करा रहे हैं तो उसमें थोड़े से सेफ्टी इशूज रहते हैं। एक बार आप ये बूट स्पेस दिखाएंगे?
आपके पास। एक बार हम बूट स्पेस देखेंगे कि इसमें सीएनजी टैंक के साथ आपके पास कितना स्पेस रह जाता है इसमें। तो आई थिंक इसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा सामान तो आप नहीं रख सकते इसमें। अगर आप अंदर से इसको डाउन करें अगर आप सीट पीछे करेंगे तो आप कुछ ना कुछ एक दो बैग वो भी छोटे बैग आप रख सकते हैं। बट अगेन उस केस में मतलब अगर आपके पास बैक सीट पे पैसेंजर्स नहीं है तो वो एक कॉम्प्रोमाइज रहता है। अदरवाइज थोड़ा बूट स्पेस का है, बूट स्पेस आप मानिए कि इसमें जीरो ही है लगभग। तो जो मेरे पास इतना रहता नहीं है, इतने फैमिली मेम्बर हम चार ही लोग हैं, तो अगर ट्रैवल करेंगे तो बीच में सामान रखा जा सकता है, तो इतना इसका इशू नहीं रहता। तो अगर बात करें माइलेज की तो आपको अभी इससे कितनी माइलेज मिल रही है, अभी क्या आपका रनिंग के हिसाब से क्या आपको मिल रहा है इसमें? मैडम अभी 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है तो मैंने लगभग इसमें अभी तक 1000 रुपये का ही पेट्रोल डलवाया है, बाकी सारी गाड़ी सीएनजी पे चली है। ओके, तो ये 28 से 31 के बीच में इसकी माइलेज रह रही है, अगर लोकल ज़्यादा हो तो 28। और अभी मैंने कल ही चेक किया है, 130 किलोमीटर गाड़ी चली थी, 30 किलोमीटर उसमें से लोकल थी और 100 किलोमीटर हाईवे पे थी, तो 31 प्लस की एवरेज थी दोनों को मिला। बहुत बहुत सही आपको माइलेज मिल रही है। और अगर बात करें इंजन को लेके तो आपको कहीं कैबिन नॉइज़ या कुछ ऐसा फील हुआ हो कि आपको थोड़ा सा मतलब सही नॉइज़ या थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो इस इंजन के साथ? वो ये कि मैंने इसका 1200 सीसी का है और वो भी पेट्रोल का इंजन है, तो अगर डीजल इंजन हो तो दिक्कत रहती है कि कैबिन के अंदर नॉइज़ आती है। पेट्रोल इंजन में वैसे भी कैबिन में नॉइस का कोई इशू रहता नहीं है, तो चाहे वो सीएनजी पे आई हो चाहे पेट्रोल पे चल रही हो गाड़ी, तो कैबिन के अंदर नॉइस नहीं होती है। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है सस्पेंशन को लेके, या मतलब जब गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो आपको कैसा फील रहा होता है कि रोड पे कितने दम से गाड़ी चल रही है? अभी जो गाड़ी मैंने पहले चलाई है उन सबसे बेटर है अभी तक। Definitely. ये इसकी ड्राइविंग बहुत स्मूथ है और जम के चलती है गाड़ी, तो उस हिसाब से ड्राइविंग के हिसाब से कंफर्ट भी है। ये अगर रोज का मेरा एवरेज 100 किलोमीटर का है तो थकावन भी नहीं होती, क्योंकि बकेट सीटें हैं तो वो दिक्कत नहीं आती। तो इसकी सीट्स की अगर से आपने बात की तो इसकी जो पीछे की सीट्स हैं वो कितनी कम्फर्टेबल लगी आपको? पीछे की सीट्स कम कंफर्टेबल है मैडम, क्योंकि टैंक के कारण ना ये सीट इससे ज़्यादा पीछे जा नहीं सकती है। ओके, ठीक है, तो पीछे की सवारी के लिए थोड़ा कंफर्ट का इशू हो सकता है। और आगे की सीट्स आपको कैसी लगी? आगे की सीट बिल्कुल कंफर्ट है मैडम, आगे पीछे हो सकती है ये, और बकेट सीट्स है तो थकावट का कोई मैटर नहीं है। थाई स्पोर्ट वगैरह नियम वगैरह सब बढ़िया बढ़िया है। और अगर फीचर वाइज बात की जाए तो आपको इस गाड़ी में क्या फीचर जो आपके पसंद के थे एटलीस्ट वो आपको मिले, और क्या आप इसमें ऐसा मिस करते हैं कि आपको कि ये फीचर एटलीस्ट होना चाहिए था इसमें? अभी जो फीचर है एक्सटी में लगभग सभी आ जाते हैं, तो अगर इसी के अंदर अगर बैक का कैमरा आ जाता तो वो ज़्यादा बेटर था। अभी क्या है इस मॉडल के अंदर आपको डिस्प्ले नहीं मिलती, ये हरमन का सेमी टच वाला सिस्टम मिलता है, वो भी बढ़िया है, पर अगर बैक कैमरा इसमें ऐड हो जाता तो वो तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको पार्किंग में और उन सब में थोड़ा हेल्पफुल रहता। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो एक तो आपने बताई दी जैसे बैक कैमरा को लेके आप बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए था, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या मैडम, इसके जो दोनों साइड है ना, जो बॉटल रखने का जो स्पेस है वो सिर्फ आधा लीटर का है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी में कौन सा आदमी आधा लीटर की बोतल लेके चलेगा। स्पेस ले रखा है बट ऐसा कुछ इसमें। हाँ हाँ, ये अगर इसमें आप एक लीटर की बोतल डालते हैं तो आपको ये खिड़की खोल के फिर ही अंदर डालनी पड़ेगी और फिर ही निकालनी पड़ेगी। ये तो भाई कोई इसका फिर भी प्रॉपर यूज केस नहीं बना कि आप चलती हाँ, गाड़ी में तो बोतल निकाल भी नहीं सकते इसमें, तो ये तो ये बड़ा अजीब सा है कि आधा लीटर की बोतल कोई पानी की कोई नहीं रखता जी, लगभग एक लीटर की बोतल आती है। ये फिर प्रॉपरली कैन के लिए कह सकते हैं कि आपके डिजाइन किया हुआ है उसके लिए नहीं है, बोतल के लिए नहीं है। अगर 500 ml है तो फिर कैन के लिए ही होगा सर, वाटर की बोतल तो लगभग एक लीटर की आती है। बिल्कुल बिल्कुल।
सर अभी जैसे आपने अराउंड 2000 किलोमीटर के अराउंड गाड़ी ड्राइव की है, तो अभी तक आपको डीलर की सर्विस कैसी रही, कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी परचेज करने से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा डीलर के साथ? मैम एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। अभी इसका जनरल चेकअप भी करवाया था मैंने, तो उसमें कंपनी या उनके एम्प्लॉय का बहुत ही सपोर्टिव नेचर रहा है और अच्छा रहा है, कुल मिला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीलर बेसिकली आपको एज ए कस्टमर कैसे डील करेगा, क्योंकि बिकॉज अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर गाड़ी से तो खुश होते हैं लेकिन उनका डीलर एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहता है। तो अगर सर ओवरऑल बात की जाए तो आप जितना आपने इन्वेस्ट किया इस गाड़ी में, जितना आपने स्ट्रगल किया रिसर्च के साथ, तो आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? बिल्कुल मैडम सेटिस्फाइड है। तो अगर मैं 5 में से मार्क्स देना चाहूँ तो इस गाड़ी को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं 5 में से 5। ये तो बहुत बहुत अच्छा, मतलब एक बिग थम्स अप है टाटा टियागो के लिए, अगर उनके जो कस्टमर है वो उनकी गाड़ी से इतना ज़्यादा खुश है, इतना सेटिस्फैक्टरी आपको रिस्पांस दे रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये था टाटा टियागो का ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू। और अगर आप भी अपनी गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं और आप सिरसा या हरियाणा में किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल, फॉर गिविंग दी ऑनेस्ट रिव्यू, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाड़ी के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स मिल सके। ऐसी गाड़ियों की अपडेट के लिए जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड।